तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राशन कार्ड में नाम जोड़ना, नाम काटना, अगर आप किसी सदस्य का नाम को जोड़ना चाहते हैं किसी फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हैं राशन कार्ड में, किसी फैमिली मेंबर को आप डिलीट करना चाहते हैं राशन कार्ड में, तो घर बैठे आप जो है कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताते हैं कि राशन कार्ड में आप फैमिली मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। किस प्रकार से कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताते हैं कि मेरा राशन ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो मेरा राशन ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। यहाँ पर लिखा है, जैसे मेरा राशन, मैं प्ले स्टोर पे आया हुआ हूँ और प्ले स्टोर में यहाँ पर मेरा राशन ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरा राशन ऐप जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो बता दें दोस्तों यहाँ पर जो है समय समय पर वर्क करता है। तो आप जो है सुबह सुबह कीजिए, या तो दोस्तों आप लोग जो है सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं तो कल करीबन करीबन आपको जो है कितना समय करना है, सुबह सुबह करीबन 5-6 बजे आपको जो है इसको जो है आपको वर्क में लेना है। ठीक है, 5-6 बजे के अंदर में आपको जो है इसको जो है अपने फोन में इंस्टॉल करना है और जो है मेरा राशन ऐप में काम करना है। तो आपका राशन कार्ड में जो भी अपडेट करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अपने राशन कार्ड को किसी दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब राशन का काम जो है आप घर बैठे ही कर सकते हैं। राशन कार्ड का जितना भी काम है जो ऑनलाइन कर दिया गया है उसको जो है घर बैठे ही आप कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं जो है अभी जो है मेरा राशन ऐप को सबसे पहले तो ओपन करते हैं, और ओपन करने के कुछ बात कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरे को पिन मांगा जा रहा है, आपको जो है अपना राशन कार्ड नंबर डालने के लिए राशन कार्ड सॉरी आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से दिखता है वो जो है आपको दिखा देते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है अपने फैमिली मेंबर का किसी भी आधार किसी का भी आधार नंबर को डाल सकते हैं। कैप्चा को डालना है, लॉग इन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जिस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर एक क्रिएट नाउ का एक स्किप का, तो आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, स्किप पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब दोनों में क्लिक कर सकते हैं। क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है बार बार आधार कार्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप अपना पिन डाल के जो है लॉग इन कर सकते हैं। तो क्रिएट नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एम पिन डाल देना है, इसके बाद फिर से दोबारा से एम पिन डाल देना है, और दोबारा से एम पिन डालने के बाद दोस्तों आपका जो पिन है वो सक्सेसफुल बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपका राशन ऐप को जो है ओपन हो जाएगा। आपका राशन ऐप जो है ओपन हो जाएगा, होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो बताया दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जो है अपने फैमिली मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो मैनेज फैमिली डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं मैनेज फैमिली डिटेल्स पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारा जानकारी आ गया है। ठीक है, इनका जो जितने भी राशन कार्ड है, जितना भी नाम है, जितना भी फैमिली मेंबर है, वो मेंबर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऑप्शन दिया गया है डिलीट का, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है डिलीट कर सकते हैं। अगर फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर साइड में, यहाँ पर ऊपर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ऐड न्यू फैमिली मेंबर, इस पर क्लिक करके अपना फैमिली मेंबर ऐड भी कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कीजिए, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कीजिए। अब बात आती है यहाँ पर राशन कार्ड ट्रांसफर करने की, तो राशन कार्ड को ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल जैसे करेंगे दोस्तों इधर जो है आपको देखने को मिल जाएगा राशन कार्ड ट्रांसफर, यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ट्रांसफर करने का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो जिला है वो जिला ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो जाएगा, और जिस जिले में आप जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो है अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे, और जो भी जिला में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस जिले में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्राउज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए ब्राउज फाइल लिखा गया है, इस ब्राउज फाइल में क्लिक करके आप जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है अपना फाइल अपलोड कर देंगे। कौन सा फाइल अपलोड करेंगे, आपका आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, आपका राशन कार्ड अपलोड कर देंगे, और जितना भी डॉक्यूमेंट है आपके पास जो आप जहाँ जिस जगह में ट्रांसफर करना चाहते हैं उस जगह जितना भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। तब एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका राशन कार्ड जो है दोस्तों 7 से 8 दिन के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ये ट्रांसफर का तरीका है। चलिए अब फैमिली मेंबर ऐड करने की बारी आती है,
तो फिर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जाएंगे और यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल पर क्लिक करेंगे, ऐड फैमिली मेंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 9 स्टेप दिया गया है, ठीक है, 9 स्टेप को आपको जो है फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है नेम, यहाँ पर जो आधार कार्ड के हिसाब से आपको नाम लिखना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, आधार कार्ड के नाम के हिसाब से यहाँ पर लोकल लैंग्वेज पूछा जाता है, तो आप अपना जो लोकल लैंग्वेज लिखते हैं तो नहीं आता है, तो आप यहाँ पर जो है इंग्लिश में ही टाइप कर दीजिए। बहुत सारे लोग को परेशानी होती है, यहाँ पर इंग्लिश में टाइप कर दीजिए, यहाँ पर भी इंग्लिश में टाइप कर दीजिए, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है नाम फिल करेंगे, जेंडर को आप सिलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है, इसके बाद उसको डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे आधार कार्ड के हिसाब से, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मदर का नाम डालेंगे उसका, उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम डालेंगे, इसके बाद दोस्तों इधर जो फादर का नाम है वो इंग्लिश में लिख देंगे, और जो है आपको लोकल लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मेरा जो है क्या है आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको फिर से सिलेक्ट करना है, इंडियन पे क्लिक कर देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। जो स्टार मार्क है उसको डालना जरूरी है, जो स्टार मार्क नहीं है उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। चलिए फटाफट से डाल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने डाल दिया, डालने के बाद सब कुछ डाल दिया, डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर टर्म कंडीशन दिया गया, टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया मैंने कहा जो आप दोस्तों यहाँ पर जो है सेकंड नंबर आ गया ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों सेकंड नंबर के ऑप्शन पे यहाँ पर करना क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ईपीक नंबर है, ठीक है, ईपीक नंबर है, तो ईपीक नंबर जो वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है उसको डालना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप मनरेगा जॉब कार्ड है तो मनरेगा जॉब कार्ड पर क्लिक कीजिएगा, आधार नंबर है तो आधार नंबर पर क्लिक कीजिएगा। तो मेरे पास कोई नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इधर जो है कोई नहीं है तो क्या करूँगा, कोई नहीं है तो आप डाल नहीं सकते, ठीक है, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होने चाहिए तब जाके आप इसको जो है फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए तब जाके। तो यहाँ पर आधार कार्ड के सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड में बच्चों का भी आप जोड़ना चाहते हैं तो बच्चों का भी आधार कार्ड होना चाहिए तब जाके इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए आधार नंबर डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स डाल देनी है, इस पर क्लिक करके आप जो भी काम करता है वो काम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो इनकम है, अब इनकम कितना है, मतलब एनुअल मैनुअली इनकम कितना है ये बोल रहा है, फिर मैनुअली इनकम डाल देना है, तो हम यहाँ पर डालते हैं 0, कोई कमाता नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स यहाँ पूछा जा रहा है कि कास्ट आपको डाल देना है, यहाँ पर कौन सा कास्ट आता है, यहाँ पर जो है कास्ट जो भी कास्ट से आता है वो डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब जो राशन कार्ड में जो मुखिया है उसका क्या लगता है, तो यहाँ पर जो है डाल देना है जो भी मुखिया का कोई जो भी लगता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको डाल देनी है, कास्ट सर्टिफिकेट डालने के बाद दोस्तों कोई भी कास्ट जो भी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, अब डालेंगे तब ना पता चलेगा कि कास्ट सही है या गलत है, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं कास्ट सर्टिफिकेट डालने की जो प्रयास करता हूँ, यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, कैमरा पे क्लिक करता हूँ, और कैमरा पे जैसे क्लिक करता हूँ कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ से फोटो क्लिक कर लीजिएगा। फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने ऐसे ही फोटो क्लिक कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर राइट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपलोड जैसे हो जाएगा यहाँ पर जो है नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको देनी है तो यहाँ पर टिक मार्क लगाया, नहीं देनी है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। हमें अभी बैंक डिटेल्स नहीं देनी है, ठीक है, बैंक डिटेल्स हमें नहीं देनी है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर बैंक डिटेल देना है तो आप जो है टिक लगा के बैंक डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेंबर फिजिकल डिटेल्स, अगर जो मेंबर को ऐड करना चाहते हैं वो किसी प्रकार से कोई भी उनको जो है डैमेज है, मतलब जो है अपंग है, ठीक है, अपंग है तो यहाँ पर टिक लगाइएगा, नहीं है तो दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर देंगे इस प्रकार से ऑप्शन खुल के फिर से आ जाएगा। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है सिटीजन डिटेल्स, अगर इसको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जो है एड्रेस प्रूफ ऐसे दिया गया है, एड्रेस प्रूफ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास जो है आधार कार्ड मौजूद है, आधार कार्ड पे हम क्लिक करेंगे और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आधार कार्ड का नंबर है यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। डॉक्यूमेंट इशू डेट, आधार कार्ड का जो इशू डेट है
20 तारीख को इशू हुआ था वो डेट डाल देंगे और यहाँ पर जो है फाइल को अपलोड कर देंगे, आधार कार्ड का दोनों साइड को हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इधर देखेंगे आपको दूसरा में ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर जो अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, यहाँ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड डाल देना है, आधार कार्ड पे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड नंबर है वो डाल देना है। इसके बाद इधर डॉक्यूमेंट इशू डेट क्या है वो डाल देना है। इसके बाद फाइल को फिर से अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सिंगल सेल्फ यहाँ पर दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड डाल देना है और आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, आधार कार्ड का इशू डेट क्या है वो डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको जो है नवा स्टेप में आपको सबमिट कर देना है। इसी प्रकार से आप मेंबर को ऐड कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया है। फिलहाल मेरे को कोई भी मेंबर ऐड नहीं करनी है क्योंकि दोस्तों मेरे पास मेंबर ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं, जानकारी मैंने बता दिया, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों साथ शेयर करना, अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।